हेलो दोस्तों, वेलकम बैक पतंजलि झा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने यूट्यूब की वीडियोस को फेसबुक पर लाइव कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आप अपने यूट्यूब के वीडियोस को, चाहे वो पुरानी हो या नई, आप किसी भी यूट्यूब के वीडियोस को फेसबुक पर लाइव कर सकते हैं। वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रखा हूँ, आप जाएंगे वहाँ पर डायरेक्ट अगर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा एक एप्लीकेशन पर लेकर के जाएगा और उसे आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप उसे डाउनलोड नहीं करते हैं तो उसके बिना आप यूट्यूब के वीडियोज़ को लाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से, डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद और आपको यहां पर सर्च करना पड़ेगा गो स्ट्रीम करके एक ऐप आता है, गो स्ट्रीम, आप उसे सर्च कर लीजिएगा। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करके रख लेंगे। तो मेरा ये पहले से ही डाउनलोड है, तो इसे हम सीधा ओपन करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये ओपन हो चुका है। अगर आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये साइन अप या लॉगिन करने के लिए बोल दे, तो जो आपको कहे वो आप इसे डाउनलोड, लॉगिन या साइन अप जो कहे कर लीजिएगा। वो भी आप अपने फेसबुक के अकाउंट से कीजिएगा और उसमें आप अपने फेसबुक अकाउंट को ऐड कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आप फेसबुक अकाउंट ऐड कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता कैसे ऐड करते हैं तो आपको वहां पर ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को ऐड करिए, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो अकाउंट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन पहले नंबर में दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ढेर सारा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, फ्रॉम लिंक, वीडियो, रिएक्ट, बोट, फेसबुक और जो कुछ आ रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, यूट्यूब के वीडियोज़ को प्ले करना है, ठीक है। तो यूट्यूब के वीडियोज़ को प्ले करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फ्रॉम लिंक वीडियो, ठीक है, लिंक वीडियो। यहाँ पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर लिंक यूट्यूब, फेसबुक, गो स्ट्रीम जो कुछ है वहाँ पर आपको लिंक देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आप अपना लिंक जो है आप अपने यूट्यूब वीडियोस का वो यहाँ पर आप देंगे। तो यूट्यूब वीडियो का लिंक आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो हमारा एक यूट्यूब वीडियोस का लिंक था जिसे हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। वो वीडियो हमारा YouTube का पुराना था। अभी आपको डेमो दिखाने के लिए अभी हम एक वीडियो का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद आपको सिंपली ऐड का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा समय लगेगा, अभी हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो हमारा, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो टाइटल है वो आपके YouTube वीडियोज़ का जो आपका टाइटल रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, हमारे सामने क्या हुआ कि जो हमारे YouTube वीडियोस का टाइटल था, ईमेल से वीडियो कैसे भेजें, वो हमारे सामने आ गया। उसके बाद आपको सिंपली नीचे में आपको ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है एड कंटेंट, स्क्रॉल हॉरिजेंटल, नो लोगो, ये सब आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये जो है प्रीमियम वर्जन के लिए है। यानी कि मैं आपको बता दूं, गो स्ट्रीम जो है आपसे पैसा लेकर के काम करता है। आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन फ्री में आपको उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो क्या हमको फैसिलिटी से क्या लेना देना, हम केवल यूट्यूब की वीडियोज़ को लाइव करना चाहते हैं अपने फेसबुक पर, तो वो आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो आप प्रीमियम वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास फ्री वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपसे पूछेगा, तो यहाँ इस जो है ये वाला सेक्शन आपको, तो उसमें आपको कुछ नहीं क्लिक करना है बिकॉज ये जो है आपके YouTube वीडियोस को जो लाइव करता है Facebook पर, ये आपके सर्वर को यहाँ पर, यानी अगर सर्वर को अगर फिक्स करके रखेगा तो आपका YouTube पकड़ लेगा कि हमारा ये वीडियो कहाँ जा रहा है, YouTube पर जा रहा है। इसलिए अपने ये सर्वर को एडिट कर कहीं से कहीं लेकर के जाता है
वो अपने अपने मुताबिक। तो ठीक है, हमको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी सीधा हमको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे हम, तो करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि पोस्ट नाउ, अगर आप इसे पोस्ट अभी करना चाहते हैं तो पोस्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप कभी और पोस्ट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है टाइमर पोस्ट पीरियोडिकली, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमको पोस्ट अभी करना है तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐड डेस्टिनेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना फेसबुक अकाउंट को ऐड कर लेना है, जैसे ही आप फेसबुक अकाउंट ऐड करेंगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल पतंजलि झा जो फेसबुक है वो आपका शो करेगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोफाइल से लाइव जाना है, या फिर आपने जो अपने प्रोफाइल में पेज बनाए होंगे उस पेज से लाइव जाना है, तो हमको पेज से लाइव जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पेज वाले ऑप्शन जो कि देख रहे हैं आप, प्रोफाइल पेज पतंजलि, पेज पतंजलि झा, ऐसे करके जितना पेज था वो हमारे सामने आ गया, तो हम यहाँ पर पेज पतंजलि झा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये इस पेज से हम जाएंगे, ठीक है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहा है, टाइटल और कैप्शन, ठीक है, यानी ये टाइटल जो आपका रहेगा वो आपके वीडियो का टाइटल रहेगा, और नोट जो है वो आपके वीडियोस, यानी कि जब आप लाइव आपका दिखाएगा है कि पतंजलि झा इज लाइव नाउ, तो उसके ऊपर में जो टाइटल रहेगा वो आपका नोट में जो आप लिखेंगे वही आपका टाइटल बनेगा। चलिए हम इसे टाइटल दे देते हैं। तो दोस्तों हमने टाइटल और नोट्स लिख लिया है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और वो नोट्स और टाइटल लिखने के बाद आपको सिंपली ऐड स्ट्रीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड स्ट्रीम के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो नेम हैशटैग नेम के नीचे आ रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि वॉच अ प्रमोशनल वीडियो टू हाइड टेक्स्ट, यानी कि ये जो गो स्ट्रीम है वो आपके लाइव पर लिखा हुआ आ जाएगा, वाटरमार्क आ जाएगा कि लाइव थ्रू गो स्ट्रीम या फिर लाइव एट गो स्ट्रीम, ऐसे करके कुछ आ जाएगा। ये अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप क्या कीजिए कि प्रीमियम वर्जन गो स्ट्रीम का यूज़ करें तभी आप उस टेक्स्ट को वाटरमार्क को हटा पाएंगे, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि उसका एड जो अभी आपको दिखा रहा है कि आप एक प्रमोशनल वीडियो उसका देख लीजिए, उसके बाद वो टेक्स्ट अपना रिमूव कर देगा। तो हमको अगर हटाना है टेक्स्ट अभी के लिए, तो हम तो अभी प्रीमियम वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमको एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप स्किप करेंगे तो आपके वीडियो में वो वाटरमार्क रहेगा, ठीक है। तो हमको इसे हटाना है, यानी वो जो टेक्स्ट है वाटरमार्क है उसको हटाने के लिए हमें एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करके एक प्रमोशनल वीडियो जो कि एड जिसे बोलते हैं एडवर्टाइज, उसे हमको देखना पड़ेगा। उसको देखने के बाद ही हम कुछ आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने उसका एडवर्टाइज वाला वीडियो जो था प्रमोशनल वीडियो, उसे हमने कंप्लीट देख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपको स्टेटस जो दिख रहा है प्रोसेसिंग, यानी कि ये हमारा जो स्टेटस है वो प्रोसेसिंग में है, यानी अंडर रिव्यू में है, वो रिव्यू के लिए गया हुआ है, और जैसे ही वो रिव्यू हो जाएगा उसका, तो उसके बाद हमको दिखने लगेगा यहाँ पर कि स्टेटस के सामने स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब कि आपका जो लाइव है वो शो कर रहा है आपके फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर, ठीक है। तो इसे हमको सिंपली अगर आप स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप लाइव स्ट्रीम जो आपको नीचे में दिख रहा है वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं प्रोसेसिंग अंडर रिव्यू में रहने देंगे तो सिंपली हमको यहां से बैक हो जाना होगा। तो बैक हो जाते हैं हम यहां से, और बैक हो जाने के बाद तब तक कुछ देर के लिए वेट कर लेते हैं, और वेट करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो स्टेटस है वो स्ट्रीमिंग हो रहा होगा, और उसके बाद आप अपनी फेसबुक
पर जा करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो लाइव चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ देर के लिए आपको डाटा कनेक्शन को ऑन रखना है, तभी आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे, वरना ये रुक जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।